नमस्कार, मैं सुधांशु अपने चैनल मैथ्स वाई सुधांशु श्रीवास्तव पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछली जो वीडियो हमारी परसेंटेज पार्ट 3 की आई थी, उसमें मैंने आपको प्रतिशत की कमी और वृद्धि से संबंधित प्रश्नों के बारे में समझाया था। और आज की जो हमारी वीडियो है परसेंटेज पार्ट 4 में, जिसमें हम आपको आज दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम आपको समझाएंगे, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा परीक्षा के अंकों पर आधारित प्रश्नों के बारे में मैं समझाऊंगा आपको, जिसमें वेन डायग्राम से लगने वाले सवालों की भी चर्चा की जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो को देख करके अपने बुक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, परीक्षा के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। उम्मीद है कि आप उसमें 100% सफल होंगे, आपके सारे क्वेश्चन आराम से लगेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक जो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। देखिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके लिए। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए हो तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? तो सबसे पहली बात पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए, आय और व्यय और बचत में क्या रिलेशन है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि बचत बराबर होता है आय और माइनस क्या, बचत बराबर आय माइनस व्यय। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए में से 40 रुपए खर्च कर देते हैं, तो 100 में से 40 रुपए निकाल दीजिए, आपकी बचत कितने रुपए आ जाएगी? 7। अब यहाँ पे आय को प्रतिशत के सवालों में पूरा 100% मानना। देखिए, आय को अपना आपको टोटल मान मानना है, यानी कि जो भी आपकी कमाई है उसको पूरे रूप में 100% मानना है। 100% में से जितना भी व्यय होगा उसको निकाल देना है परसेंटेज में। अब जो आएगा वो आपकी बचत का प्रतिशत होगा। तो इस सवाल की बात करें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 40% भोजन का मतलब ये हुआ कि जो भी कमाती है उसमें से 40% भोजन पे देती है, उसी कमाई में से 20% मकान किराए पर देती है, उसी कमाई में से 10% मनोरंजन पर खर्च करती है और 10% परिवहन पर खर्च करती है। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि उसका कुल व्यय कितना आ रहा है, तो हमें सारे व्यय को जोड़ देना चाहिए। भोजन का हो गया, मकान किराए का हो गया, मनोरंजन का हो गया और परिवहन का हो गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि टोटल उसका जो व्यय है 40, 20, 60, 10, 70, 10 कितना परसेंट, 80, यानी कि उसने अपनी कमाई का 80% खर्च कर दिया। अगर 80% खर्च कर दिया तो उसकी बचत कितनी होगी? मैंने बोला 100% आय को मानो, और 100% अगर उसकी कमाई है तो उसमें से 80% खर्च हो गया, यानी कि बचा कितना परसेंट, 20। अब जो ये 20% बचा, इसके बारे में एग्जामिनर बोल रहा है क्या कि यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए हो। आप ध्यान दीजिए, बचत के बारे में बोला गया है कि कितने रुपए बचत है, 1500, और हम परसेंटेज में जो बचत निकाल रहे हो कितना परसेंट है, 20% है। इसका मतलब हमारा 20% जो बच रहा है वो बचत के रूप में कितने रुपए बच रहा है, 1500, यानी कि हमारी इनकम का जो 20% बचत है वो बराबर कितने के है, 1500। इसलिए अगर हम टोटल आय कुल वेतन निकालना चाहते हैं महीने का, तो कुल वेतन यानी कि हमारा कुल का मतलब संपूर्ण रूप से कितना परसेंट, 100%, क्योंकि प्रतिशत में जो भी चीजें टोटल होंगी वो 100% मानी जाएंगी। आप 100% के लिए पहले 1 पे गणना कीजिए। तो आपको एक नियम पहले मैंने परसेंटेज पार्ट नंबर 2 में समझा रखा, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले 1 की गणना आप करेंगे तो 1500 बटे हो जाएगा 20 और गुणे 100 के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, और ये आप काट देंगे, ये हो जाएगा 50, 15 × 5 = 75, ये आपका जवाब आ जाएगा 7500 रुपए। यानी कि उसकी जो मंथली इनकम है, जो महीने में कमाती है, वो कितने रुपए कमाती है, 7500 रुपए कमाती है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरह से सभी व्यय को देने पर हम उसकी टोटल इनकम पे पहुंच सकते हैं। तो ये पहले लेवल का सवाल था। चलिए एक अगले सवाल पे चलते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या क्या यहाँ हो सकता। तो दूसरा सवाल आपका दूसरे टाइप का है। यहाँ पे पहला सवाल बहुत आसान था आपका, और उस टाइप के सवाल आप बहुत आराम से लगा लेंगे, इसलिए हमने दूसरा क्वेश्चन नहीं लिया उस पर। देखिए, ये सवाल हमारा क्या है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का, मतलब जो भी उसके पास है संपत्ति, उसका 20% अपने बड़े पुत्र को,
20% बड़े पुत्र को, मतलब जो भी उसके पास संपत्ति है उसमें से 20% बड़े वाले बेटे को दे देता है। फिर आगे लिखा है कि शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को। शेष का मतलब ये हुआ कि बड़े वाले बेटे को देने के बाद जो बचा उसका 30% अपने छोटे वाले बेटे को देता है, और छोटे वाले बेटे को देने के बाद आगे लिखा है कि शेष का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है, मतलब जो बचा है उसका 10% एक ट्रस्ट में देता है। और यदि अब उसके पास 10,080 रुपए शेष बचे हों तो उसकी कुल संपत्ति तथा सबका अलग अलग हिस्सा क्या होगा। इस क्वेश्चन में चार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि टोटल संपत्ति क्या है, दूसरा क्वेश्चन बड़े बेटे का हिस्सा क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है छोटे बेटे का हिस्सा क्या होगा, और लास्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रस्ट को उसने कितने रुपए दिए। तो देखो सवाल में जो अलगाव है पिछले से क्या है कि यहां जो भी दिया जा रहा है वो पहली बार तो टोटल में से दिया गया, लेकिन दूसरी बार ये दिया गया जो बचा था उसमें से, और पिछले सवाल में ऐसा नहीं था। पिछले सवाल में सारे जो बंटवारे हुए थे ना वो टोटल में से ही हुआ था, लेकिन इस सवाल में जो हो रहा है नया क्या हो रहा है कि पहले टोटल में से 20% बड़े को दिया, फिर जो बचा है उसमें से 30% छोटे वाले को दिया। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग शेष वाली बात को समझ लेते हैं। तो शेष का मतलब आपका ये होगा कि टोटल 100% आपका है, 100% में से 20% इसने बड़े वाले को दिया, तो यहां पे कितना परसेंट इसके पास बचा, 80। जो भी 80% इसका बचा है आगे 80% वाले अमाउंट को बांटना है, मतलब इसके अकाउंट का 80% जो कुछ भी आएगा हमें उसको बांटना है। तो नियम ये होता है कि जो बचा हुआ होता है उसको जब हम आगे बांटते हैं तो हमेशा उसको दोबारा से अपने आप में टोटल मान करके बांटते हैं। मेरा मतलब है कि जो भी 80% के नाम पे बचा होगा उसको दोबारा से हम टोटल मानेंगे, यानी कि जो बचा है भाई अब तो बचत में से बांटना है, जो गया वो गया, जो बचा है मतलब उससे, तो जो बचा है उसको 100% दोबारा मानिए, उसमें से आपका कितना परसेंट चला गया, 30% दूसरे वाले बेटे के नाम, इसका मतलब अब जो बचा है उसका कितना परसेंट बचा, 70%। बात को समझिएगा कि बड़े वाले बेटे के बाद 80% अकाउंट में बचा, 80% के नाम पे जो भी अकाउंट में बचेगा उसको हम टोटल 100 मान लेंगे, उसमें से 30% हम छोटे वाले को दे देंगे, तो जो बचा था उसका 70% हमारे पास बचा, और जो 70% बचा उसको आगे बांटना है, उसको दोबारा आगे बांटने के पहले, हमेशा आगे बांटने के पहले अपने शेष को टोटल मान लेना है। 100 में से फिर 10% अगर ये देगा ट्रस्ट को तो बचे हुए का कितना परसेंट बचेगा, 90%, और टोटल मिलाकर के जो फाइनल बच रहा और कितना बच रहा, 10,000 कितना, 80। अब देखो इस सवाल को अटेंड कैसे करेंगे, आप यहां पे कुल आय को यक्ष मान लो या कुल संपत्ति सवाल में दिया है, तो कुल संपत्ति को क्या मान लीजिए, एक्स। अब आइए एक एक चीज बांटते हैं। यक्ष में से सबसे पहले 20% बड़े वाले को दिया और आगे लिख रहा है कि शेष में से आगे बांटना है, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर 20 बड़े वाले को दे दिया तो शेष बचा कितना, 80% का मतलब 80/100। आगे समझिएगा ये शेष बचा, इस शेष का सेंटेंस को भी तोड़िए, शेष का मतलब क्या होता है, गुणा, ये गुणा हो गया, और मैंने कहा कि का वाला गुणा जिसके लिए लगेगा, ये जो भी बचा है इस बचे हुए को आप बांटने वाले हैं, तो इस बचे हुए को दोबारा से आप अपना सब कुछ मान लेंगे क्योंकि अब इसी में से बंटवारा होना है, इस बचे में से 30% फिर चला गया तो कितना बचा, 70 बचा। अब 70% के नाम पे जो कुछ बचा आगे लिखे हैं, फिर शेष का माने गुणा, और जैसे का वाला गुणा लगेगा ना हमेशा इसके पहले जो होगा वो टोटल बन जाएगा, ठीक है, तो टोटल 100% फिर बन गया, मतलब जो कुछ बचा अब उसमें से देना है, उसमें से 10% ट्रस्ट को दिया तो 90% बचा, और ये जो टोटल बचा वो कितना बचा, 10,000 कितना, 80। तो यहां पे आप सॉल्व कर लेंगे, ये जीरो चला जाएगा, ये जीरो चला जाएगा, ये जीरो चला जाएगा, यक्स की वैल्यू आएगी 10,080 गुणे, कैलकुलेशन करेंगे 10 10 और 10 ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, और बटे 8 गुणे 7 गुणे कितना, 9। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 एक 9 एक 10, 9 एक 9 2 18, 8 एक 8, 8 4 32, 7 2 14,
और ये आपका जो जवाब बनेगा, दो के बाद आपके 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कि पहला आंसर आपका इस सवाल का बन रहा है कितना रुपए, 20,000, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम है वो 20,000 है। अब देखिए अगली बात क्या पूछी गई, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये सवाल समझ में आ गया ना तो आपके आगे जो भी शेष वाले सवाल होंगे, चाहे वो चुनाव वाले सवाल होंगे या परसेंटेज में कहीं भी होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने लगेगा। तो आओ देखते हैं आगे क्या है। अगर हम यहां पे बड़े पुत्र का हिस्सा निकालें तो बड़े पुत्र का हिस्सा कुछ इस तरह से हो रहा है कि वो अपनी टोटल संपत्ति में से 20% बड़े को दिया था, तो टोटल संपत्ति आई कितनी, 20,000। इस 20,000 का 20% अगर आप निकालते हो तो ये बन गया आपका कितना, 4। अगर हम छोटे पुत्र का हिस्सा निकालें तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि शेष का 30% छोटे को दिया, तो शेष का मतलब क्या है कि 20,000 में से 4,000 बड़ा वाला ले लिया, तो बचा कितना, 20 में से 4,000 घटा दो, 16,000 बचा। 16,000 का 30% आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 16 × 3 = 48, यानी कि 4,800 रुपए आ जाएगा। लेकिन आप एक काम और सीखो, मान लो आपको सीधे छोटे पुत्र का पेपर में पूछा होता, बड़े का ना पूछा होता, तो आप डायरेक्ट सवाल में कैसे आते, देखो ऐसे आते, 20,000 रुपए जो टोटल हमारी संपत्ति थी उसमें जब बड़े वाले को हम दे दिए तब जाकर के छोटे वाले को दे रहे हैं, तो बड़े वाले को अगर 20 दे दिए तो हमारे अकाउंट में 20,000 का 80% बचा, और जो बचा इसका हम उठा करके 30% छोटे वाले को दिए, यानी कि आपके 4 जीरो निकल जाएंगे, 8 × 3 = 24 दुना कितना बनेगा, 48। और आइए ट्रस्ट वाला देख लेते हैं, ट्रस्ट का हिस्सा कितना होगा, देखो ट्रस्ट वाला तीसरे नंबर पे पाया, यानी कि हमारे 20,000 में से 20% बड़ा वाला ले गया, तो अकाउंट में बचा 80, जो कुछ भी बचा था ये टोटल है, इसमें से 30 छोटा ले गया तो बचे हुए का 70 बचा, और इस बचे हुए का ट्रस्ट वाला कितना लिया, ट्रस्ट वाले का परसेंटेज लिख दो 10 लिया, तो ये 00, ये आपके सारे 0, 6 जीरो कट जाएंगे, 4 × 2 = 6, 8 × 7 = 56 × 112 = 1120, तो ट्रस्ट वाले को कितना मिला, 1120। अब देखिए इस सवाल में 4 सवाल बने, पहला सवाल क्या बना कि कुल क्या होगा, दूसरा बना बड़े का हिस्सा, तीसरा बना छोटे वाले का, चौथा बन रहा आपका ट्रस्ट का हिस्सा। तो इस सवाल को लगाने के बाद आपको इस टाइप के सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अगर ये सवाल नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक करके आप फिर से समझ लीजिएगा। आइए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का सेम पैटर्न पे है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, मतलब कहने का क्या है कि 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तु खरीद लिया। अब फिर आगे लिखते हैं कि शेष का, यानी कि दैनिक प्रयोग की वस्तु खरीदने के बाद जो बचा उस शेष का 30% मकान किराए पर, और फिर मकान किराया देने के बाद जो बचा शेष वो 2900 कितना है, 40। तो हम देख रहे हैं सवाल में दो बार शेष की बात की गई है, पहले 12.5% खर्च हुआ, फिर शेष जो आया, तो जाहिर सी बात है कि 12.5% अगर खर्च हुआ तो देखो ये 12.5% वाली कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। 100% अगर हमारा टोटल है, इसमें से 12.5 का मतलब 12 × 24 1/25/2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 × 200 में से 25 जाएगा 175/2 कितना, 2, इतना परसेंट आएगा, परसेंट हटाओगे तो बटे 100 बनेगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 इधर सॉल्व कर देते हैं, 175/2 परसेंट हटाओ तो 100, 25 × 7 = 175, 25 × 4 = 100, यानी कि 7/2 कितना लेंगे, 8, ठीक है ना। 12.5% अगर खर्च करेंगे तो 100 में से 12.5 घटाने के बाद कितना बचेगा, 7/8। ये काम थोड़ा और आसानी से कर सकते हो, ये कैसे, 12.5% की फ्रैक्शन याद कियो ना, कितना, 1/8। मैंने आपको समझाया था कि ये आपका मूल मान है, और अगर ये मूल मान है तो इसका 12.5% यानी कि 1 खर्च कर दिया, 8 का 12.5% का मतलब 1 खर्च कर दिया, तो भाई बचा कितना, 8 में से 1 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 7/8। तो ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में लेकर के चलनी है तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12.5% माने 1/8, 8 में से 1 खर्च कर दिया तो 7/8,
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में हो वहां पे आप फ्रैक्शन में बदल करके बटा वाले को मूल मान माने। जैसे परसेंटेज में टोटल को 100% मानते हो, वैसे फ्रैक्शन में मूल मान आप अपने डिनोमिनेटर को मान लो। अब इतना खर्च हुआ तो बचा इतना, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारी टोटल इनकम एक्स, एक्स में से 12.5 खर्च कर दिया यानी कि 1/8 खर्च कर दिया, तो 7/8 बचा। फिर शेष का माने गुणा, मैंने बोला कि जो भी का वाला गुणा लगेगा उसके पहले टोटल हमारा हो जाएगा 100% माना जाएगा, उसमें से 30 चला गया तो अब कितना बचेगा 70% बचा, और ये जो बचा ये 2900 कितना है 40। कैलकुलेशन देखिएगा, 00 चला गया। अब 7 से काटिए, 7 चौक 28, 1 29, 7 दूनी 14, 7 से इधर काट दो, 7 छक 42, 10 हो जाएगा, और x बराबर सीधा तिरछा गुणा कर दो, 8 छक 48 और 00, यानी कि उसका जो वेतन है वो कितने रुपए है 4800। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए और अगले उदाहरण पे चलते हैं। उसी पैटर्न पे ये आपका अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया, जो भी था 7.5% खर्च कर दिया। अब जो भी बचा है आगे लिखते हैं, शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपए बचा, तो उसके पास कुल कितनी धनराशि थी। ये सीजीएल 2017 में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैंने पेपर के सवालों को लिया है कि जिससे आपकी प्रैक्टिस सीधे टारगेट के ऊपर हो सके, आप सीधे टारगेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, एक बात और, आप वीडियो को रोक करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो आप आगे देखिएगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया, और अगर सॉल्व हो जाता है तो आप थोड़ा सा खुश हो जाइएगा क्योंकि आपका काम सही तरीके से चल रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑप्शन भी देख लीजिए, इसमें से कोई एक आंसर आएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, आप लोग वीडियो रोक करके सॉल्व करिएगा जल्दी। देखो, इस सवाल में सबसे पहली बात ये कि अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया। 7.5% से थोड़ा निपट लेते हैं, तो 7.5 का मतलब 7 × 2 = 14, 15/2। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बटा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो बटा 100, 5 × 3 = 15, और ये आपका बन जाएगा 5 × 15 और 5 × 2 = 10, और ये बन जाएगा 3/20, 2 × 2 = 40। अब मैंने बोला कि आप डिनोमिनेटर को मूल मान मानेंगे, जैसे परसेंटेज में 100% को मान करके 100 में से जोड़ते घटाते हैं, वैसे यहाँ पे मूल मान को जब आप भिन्न में बदलना तो डिनोमिनेटर को मानोगे। अब 40 का 7.5% यानी कि 3 खर्च कर दिया, तो 40 में से 3 अगर खर्च कर दिया तो भाई बचा कितना, 40 में से 3 चला गया तो 37/ कितना बचा 40। देखो अगली लाइन में हम लोग चलते हैं, हम टोटल इनकम को एक्स मान लेते हैं, 7.5% का मतलब 3/40 यानी कि 40 में से 3 खर्च हो गया, तो बचा शेष कितना 37/40। इस शेष का माने गुणा, फिर 75% खर्च कर दिया तो 25% बचा, बटे 100 कर लोगे और बराबर ये हो जाएगा 300 कितना 70। इसको सॉल्व करोगे 25 चौका 100, या आप चाहते तो फ्रैक्शन में बदल लेते सीधे। अब यहां से आगे आप सॉल्व करोगे, देखो 37 से 37 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एक्स बराबर 4 चौक 16 के बाद 00, यानी कि आपका उत्तर यहाँ पे कितना आएगा 1600 रुपए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल बिल्कुल हमारा नए पैटर्न पे है, वो पिछले जो दो पैटर्न थे उनसे थोड़ा सा हटके, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मतलब आय व्यय का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सवाल का मतलब क्या निकल रहा है और इसको हम लोग को हल क्या करना है। इसमें दो सवाल है, चलिए समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय कर देता है, मतलब वो जो कुछ भी कमाता है ना वो 75% खर्च कराए, फिर क्या हुआ, अनंतर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने से, आय में 20% वृद्धि होने का मतलब यह हुआ कि कमाई थोड़ी सी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। जब कमाई बढ़ गई तो भाई कमाई बढ़ गई तो खर्चा बढ़ना ही चाहिए, पैसा कहाँ रखेंगे। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि व्यय को भी 10% बढ़ा देता है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा तथा नई बचत का प्रतिशत क्या होगा। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए एक एक लाइन समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय कर देता है, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि वो
जितना भी कमाता है उसका 75% व्यय करता है, लेकिन मामला यह है कि वो कमाता कितना है। अब दो रास्ते हैं, या तो हम अपनी कमाई को एक्स मान करके सवाल को लगाएं, या तो हम इस सवाल में 100 मान करके लगाएं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस सवाल में आपको लास्ट में प्रतिशत के बारे में पूछा जाए, लास्ट में अनुपात के बारे में पूछा जाए, उन सवालों में आप कुछ भी मान करके लगाएंगे तो आपका सवाल बड़े आराम से आएगा। लेकिन अगर कहीं एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जा रही है तो वहां पे आप 100 ना मानिए, वहां पे आप एक्स मान के ही शुरुआत में लगाने की कोशिश करें, बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप 100 भी मान के अपने फैसले को सही कर लेंगे। चलिए इस सवाल में समझते हैं। तो इस सवाल में लास्ट में प्रतिशत की बात हो रही है, दोनों जगह वृद्धि का प्रतिशत और नई बचत का प्रतिशत, इसका मतलब कुछ भी मान लेंगे। तो कुछ का मतलब ये हुआ कि हम 100 माने, क्योंकि प्रतिशत की गणना 100 पे बड़े आराम से हो जाती है। तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी कमाई 100 रुपए, उसमें से वो जो व्यय करता है 75% का मतलब 75 रुपए, 100 का 75% निकालना देखो आसान है, इसी वजह से 100 माना गया है। यहां पे बचत की बात करें तो बचत हमारा कितना हो जाएगा 25, बिकॉज 100 में से अगर वो 75 खर्च कर लिया तो बचाया कितना 25 बचाए। अब आगे कहा जा रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने से, देखो 100 मानने का कितना फायदा है, अगर 20% आय में वृद्धि हो रही है तो दो रास्ता। पहला रास्ता कि 100 का आप 20% निकाल करके इसमें जोड़ दीजिए, तो 100 का 20% निकाल करके अगर यहां पे आप जोड़ेंगे तो 100 का 20% यानी कि आप मुंह जबानी निकाल सकते हैं 20, तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120 रुपए नई कमाई हो जाएगी। दूसरा डायरेक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, 100 × 20% बढ़ाना है तो 120/100 यानी कि डायरेक्ट 120, और ये 100 मानने से दोनों काम आसान हो जाएगा। तो 20% बढ़ने का मतलब जो नई इनकम है, जब आप 100 मानेंगे तो सीधे 100 में 20% बढ़ाना है 120 हो गए। हाँ रही बात व्यय की, तो आगे कहा जा रहा है कि जैसे उसकी कमाई बढ़ी उसने अपने व्यय को भी 10% बढ़ा दिया, तो व्यय को 10% बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि पहले व्यय 75 था, 10% बढ़ा दिया, तो पहला काम 75 का 10% निकाल के इसमें जोड़ दो, तो 10% निकालोगे 7.5 आएगा, 75 में 7.5 जोड़ दोगे 82 आ जाएगा। नहीं ऐसे कर पाते हो तो 75 × 10 बढ़ाना है तो 110/100 कर लो, 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 5 = 82, 101 अंक पे 10 कर लो। तो दोनों तरीका है, चाहे 10% निकाल के आप तेजी से जोड़ दो, या तो 10% बढ़ाना है तो 110/100 कर लो। ठीक है, देखो आय बढ़ी व्यय भी बढ़ गया, अब बचत में परिवर्तन होना है। आओ देखते हैं बचत कितनी है। तो बचत आपकी कमाई 120 रुपए में से आप 120.0 में से 82.5 रुपए को घटा दो तो 10 में से 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 11 में से 8 जाएगा 3। अब हमारी बचत 37.5 रुपए है। तो अभी तक पूरे सवाल को सिर्फ हम समझें, अभी क्या करना है वो बाद में करते हैं। फिर से देखते हैं, 100 में से 75 व्यय कर दिया, बचाया कितना 25, कमाई 20 बढ़ गई 120 हो गया, व्यय भी बढ़ गया 10% तो 110 करके निकाल लिया 82.5 हो गया, 120 में से इतना व्यय हो गया तो बचा। अब पहला सवाल हमसे क्या किया गया कि बचत में वृद्धि का प्रतिशत। तो देखो कोई चीज प्रतिशत में अगर निकालना तो पहले देखो बढ़ा कितना, तो बचत 25 से 37.5 हो गई, कितनी बड़ी भाई घटा के देख सकते हो, 37.5 - 25 0.057 में से 5 2 12.5 रुपए बढ़ रहा है। और कोई भी चीज कितना प्रतिशत बढ़ता है या घटता है, पहली वीडियो में मैंने आपको ये सारी बातें सिखाया था, तो 12.5 रुपए बढ़ा, लेकिन कहां से बढ़ा मूल मान चाहिए, तो पहले बचत कितनी थी 25 से बढ़ा गुणे 100, 12.5 × 25 2 से काट देंगे तो पहला जवाब आपका निकल आया कितना परसेंट 50। दूसरा सवाल जो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, नई बचत का प्रतिशत, देखो ये भी सवाल पूछा जाता है सीजीएल के लेवल पे, आपसे दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। तो देखिए नई बचत का प्रतिशत अगर आपसे कहा जाए तो भाई नई वाली बचत आपने किया कितना 37.5 किया। अब ये 37.5 रुपए जो नई बचत है ये नई वाली कमाई का कितना परसेंट, ये पता करना है। तो 37.5 रुपए जो हमने बचत किया बटे नई कमाई का, तो नई वाली कमाई भाई 120 है गुणे 100 करोगे भाई, 0.5 हटा लेना तो यहां पे 0 हो जाएगा आपका, ये 0.5 हट जाएगा आपका, और यहां से 25 से काट दो, 25
चौका 120 बचा 25 अट्ठे 225 एकन्ने 25 12 37 25 पंचे 125 चार से काटो 4 12 48 4 25 100 3 चौक 12 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 25 पंचे 125 बटे 4। इसको हल कर लो, 4 तिया 12, 4 का पहाड़ा 5 में एक बार 31 सही, 4 तिया 12 4 एकन्ने 4 31 सही 1 बटे 4। या आप इसको लिख सकते हो 31.25%। तो ये नई बचत का प्रतिशत है, आप बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो रोक करके रिप्ले करके फिर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और समझते हैं। तो आय व्यय के प्रश्नों को खत्म होने के बाद देखिए, आप अपनी बुक से सॉल्व कर लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हमने पहले भी आपको बोल दिया कि हम दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अगला जो टॉपिक हमारा है ये परीक्षा के अंकों पर आधारित प्रश्न है। देखिए, परीक्षा के अंकों वाले सवाल जो आपके पेपर में आते हैं वो मुख्य रूप से आपके 3 से 4 तरह के सवाल बनते हैं। पहले तरह का सवाल ये बनता है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में पास होने के लिए कुछ प्रतिशत चाहिए, वो कुछ नंबर पा करके, मान लो 40% पास होने के लिए चाहिए, 240 नंबर पाया और 40 से हो गया फेल, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका पूर्णांक क्या है। दूसरा जो आपका बनेगा, इसमें दो कैंडिडेट्स के बारे में कहा जाएगा। दो कैंडिडेट्स के बारे में कहने का मतलब ये हुआ कि वो आपसे बोलेंगे कि एक परीक्षार्थी 30% पाया तो पता चला 25 नंबर से फेल हो रहा, दूसरा 42% पाया तो 30 नंबर ज्यादा पा रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है, इस तरह से पूछा जाएगा। तीसरा, वेन डायग्राम से संबंधित सवाल आपके पूछे जाएंगे। और चौथा, आपका घुमा फिरा करके कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम पहले सवाल से लेकर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये होगा, आप यहाँ पे पहला सवाल बिल्कुल छोटे वाले लेवल से देखेंगे, जो CHSL, MTS और CGL प्री के लेवल में पूछा जा सकता है। तो सवाल ये है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, चालीस परसेंट अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी ने 67 अंक प्राप्त किया तथा 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, यह आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकतम अंक क्या होगा, बात दोनों एक ही है, चाहे पूर्णांक पूछे चाहे अधिकतम अंक पूछे। तो इस सवाल को आप देखिएगा, ये पहले लेवल का सवाल है, छोटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की जरूरत है, 40%, यानी कि 40% लाओगे तो पास माने जाओगे। तो पास होने का जो प्रतिशत है वो ये है कि आप 40% लेके आओ। लेकिन हुआ क्या कि एक लड़के ने 67 नंबर प्राप्त तो किया लेकिन ये पास नहीं है, बेचारा 13 अंकों से फेल हो रहा है। तो अब आप बताओ कि अगर ये 67 पा करके 13 से फेल हो रहा है तो ये पास कैसे होगा, जाहिर सी बात है कि 13 नंबर उसे और मिल जाता, यानी कि जो पास होने का अंक बन रहा है वो पास होने का अंक आपका बनेगा 67 में 13 नंबर और दिलवा दीजिए 7 3 10 6 1 7 1 8, यानी कि 80 नंबर वो अगर पा जाता तो इस परीक्षा में पास हो जाता। अब देखो, पास होने की दो शर्तें, या तो तुम 40% लाओ या तो तुम 80% लाओ। तो ये बताओ भाई कि एक ही परीक्षा में दो बातें थोड़ी हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो वो 40 है और नंबर में देखते हैं तो 80 है। इसका मतलब इस परीक्षा का 40% बराबर कितने के है, 80 के। इसलिए टोटल या पूर्णांक की बात करें तो 100% होता है। तो 100% पे पहले 1 की वैल्यू निकालो, एक नियम से 80 बटे 40 गुणे 100 करोगे
40 × 80 यानी कि इस परीक्षा का जो मैक्सिमम मार्क्स है या जो पूर्णांक है वो कितना आएगा, 200। बहुत ही आसान तरीके से आप लगा लो, बस इतनी सी बात देख लेना वो पास कितने नंबर पे होगा, एक एक नियम लगा देना, सवाल आराम से आ जाएगा। और अगले टाइप पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का बच्चों कि एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा? ये आपका 2017 में एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, ये 45% पा रहे हैं लेकिन फेल है, कितने से? 40 से फेल। अब कह रहे हैं कि पास होने के लिए 55% चाहिए। दिमाग लगाओ कि 45% की 45% तक ये बच्चा पहुंचा है लेकिन अपने पास मार्क से ये 40 दूर है। अगर ये 55% पे पहुंच जाए तो ये 40 नंबर की पूर्ति हो जाएगी, माने जो 40 नंबर कम पड़ रहा है ये बराबर का हो जाएगा। तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि 45 से 55% तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारी कितने परसेंट के बराबर बन रही है, दोनों का डिफरेंस कर लो 10%। और ये जो 10% की डिफरेंस फिल होगी, जब ये 10% का डिफरेंस फिल होगा तो वो 40 नंबर से फिल होगा, यानी कि 10% बराबर हो जाएगा कितना, 40। इसलिए 100% आप निकाल दो तो ये आ जाएगा 40/10 × 100 और ये आपका आंसर आ जाएगा कि इस परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना है, 400। और अगले टाइप पे चलते हैं। तो अगले टाइप का सवाल हम लोग का ये है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इस परीक्षा का पूर्णांक, पहला सवाल, दूसरा सवाल पास होने के लिए न्यूनतम अंक तथा तीसरा सवाल यहां पे बनेगा न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो आइए समझते हैं कैसे इस टाइप के सवाल सॉल्व करेंगे। पहला स्टूडेंट ए है, दूसरा बी है। बात को समझिए, बहुत आराम से ध्यान देंगे। पहला वाला 20% पाया तो वो 30 से फेल का मतलब मैं समझता हूं कि वो टारगेट से पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया? 30 नंबर। अगला वाला जो 32% पाया वो टारगेट से 42 नंबर ज्यादा पाया तो +42 कर लो। इस तरह के सवालों को लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दोनों का डिफरेंस कर लो। तो डिफरेंस के लिए क्या करो, यहां पे चिन्ह बदल दो माइनस, यहां भी माइनस कर लो। अब इसको घटाओगे तो 32 में से 20 जाएगा 12%, लेकिन माइनस वाला बड़ा है। यहां पे आप देखो क्या हो रहा है कि पहले माइनस था, चिन्ह बदल के भी माइनस हो गया, 42 और 30 आपका हो जाएगा 72 लेकिन माइनस में। दोनों तरफ माइनस को कट कर दो, 12% का जो डिफरेंस बन रहा है वो 72 है। पहला आंसर देखो निकलने वाला है हम लोगों का पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब कितना परसेंट होता है, 100। तो 72/12 × 100, 12 × 6 = 72, यानी कि आपका पहला जवाब हो गया कितना, 600। तो बहुत प्यार से आप लगा लेंगे, दोनों को लिख देंगे, जो कम रहेगा माइनस, जो ज्यादा रहेगा प्लस, दोनों को यहाँ चिन्ह बदल के गणित 12 आया, ये दोनों समान चिन्ह जुड़ गया, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे दूसरा सवाल जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक। अब आप ध्यान दो, पूर्णांक अगर 600 है तो 600 में से पहला वाला बच्चा 20% पाया लेकिन पास नहीं हुआ बेचारा, 30 नंबर बैक रह गया। तो आप दिमाग लगाइए कि 600 का 20% निकालोगे मगर पास ही नहीं है, 30 नंबर कम है, तो 30 नंबर दे दो, बेचारा पास हो जाए। या तो अगली बार आप इस 600 का 32% निकाल लो, लेकिन 32% की सिचुएशन क्या है कि यार वो 42 नंबर ज्यादा पा रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा है तो खींच करके बराबर कर दो, यानी कि पास होने के लिए 42 घटा दोगे तो भी आ जाएगा। तो चलो इस सवाल को ऐसे लगा लेते हैं, पास होने के लिए न्यूनतम अंक अगर हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो पूर्णांक 600 का 20% आप निकाल लो 20/100 और प्लस 30 से फेल हो रहा है तो 30 का अनुदान दे दो भाई, ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 120, 30, 150, दूसरा आंसर यहां पे बन रहा है। और तीसरा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत।
प्रतिशत। देखो भाई 150 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन 150 कितने में से चाहिए, 600 में से, तो प्रतिशत निकालना 150 600 का कितने प्रतिशत है, तो 150 बटे 600 गुणे 100, और यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो 6 × 6, 6 × 12 और 3 × 15 और 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी कि कितना परसेंट चाहिए, 25। तो यहां पे आपके ये 3 सवाल बने। इस टाइप के सवाल आसान होते हैं, अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो रिप्ले करके देख लीजिएगा। आइए अगले टाइप के सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का वेन डायग्राम से ही संबंधित होगा, लेकिन इस सवाल को हम दो तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग सिंपल मेथड से समझेंगे, फिर हम लोग वेन डायग्राम से समझेंगे। पहले सवाल का मतलब क्या निकल रहा है ये समझते हैं। एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 17% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। चलो डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हिंदी में फेल। ये सवाल आपका अभी सीडीएस का पेपर आपका हुआ है, उसमें भी इस टाइप का सवाल आया था, आप मिलाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके पहले एसएससी में कई बार ये आ चुका है। तो हिंदी में फेल 52% और इंग्लिश में जो फेल है वो डाटा हम लोग का है, कितना प्रतिशत इंग्लिश में फेल है, 42, और दोनों में जो फेल है वो है हमारे कितने परसेंट, 17। तो देखो सबसे पहले हम यही पता कर लें कि कुल कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि अगर आप ये पता लगा लोगे कि कुल कितने बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फेल है, सारे फेलियरों की लिस्ट अगर बना लेंगे जो कहीं भी फेल है, तो उन फेलियरों को अगर आप 100% में से निकाल देंगे तो बाकी जो फ्रेश फ्रेश बचेगा वो बच्चे दोनों विषयों में क्या होंगे, पास होंगे। तो पहले अगर टोटल फेल निकालना तो कैसे आप करोगे, आप मान लो क्लासरूम है, क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, 100 में से आपने पूछा भाई कितने लोग हिंदी में फेल हो, तो 52 ने हाथ उठाए, इंग्लिश में कितने फेल हो, 42 ने हाथ उठाया, और ये 17 दोनों में फेल कितने हो, 17 ने हाथ उठाया। अब बात को समझो, ये जो 17% बच्चे हैं वो हिंदी वाले में भी हाथ उठाए थे, भाई तो दोनों में फेल थे, आप हिंदी बोले तो इनको लगा यार हिंदी वाला पूछेंगे तो चलो हिंदी में हाथ उठा लेते हैं। अगला, जब बात अंग्रेजी की आई तो ये अंग्रेजी वाले में भी उठाए क्योंकि ये अंग्रेजी में भी फेल थे, मतलब ये बच्चे दोनों जगह इंक्लूड हैं। और अगर आप रियल में फेलियर निकालना चाहते हैं तो ये 17 यहां भी इंक्लूड है, यहां भी इंक्लूड है, तो आप करोगे क्या, आप दोनों फेलियरों को जोड़ करके ये 17% जो है ना ये दोनों में इंक्लूड है, तो एक बार माइनस कर दो, एक बार माइनस कर दोगे तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 17 चाहे यहां बैठे रह जाएंगे चाहे यहां बैठे रह जाएंगे। आओ समझते हैं कैसे। अगर आप कुल फेल निकालना चाहते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि जो यहां पे हिंदी में फेल है उनको लेंगे, जो अंग्रेजी में फेल है उनको लेंगे, भाई कहीं भी तुम फेल हो हम फेल की लिस्ट में तुमको ले रहे हैं क्योंकि हमें दोनों में पास लेना है, अगर कहीं भी तुम फेल रहोगे तो हम तुमको दोनों में पास नहीं बना पाएंगे। तो 52 और 42 ये जो दोनों है ये मिला करके आपके हिंदी और किसके हो गए, अंग्रेजी के, लेकिन इसमें 17% दोनों में घुस है, हम एक ही जगह रखना चाहते हैं तो एक बार हम इसको क्या कर देंगे माइनस, तो ये आपका बन जाएगा 2 × 2 = 4 5 × 4 = 94 − 17 = 14 में से 7 हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा 7, यानी कि 77% टोटल फेल। टोटल फेल का क्या मतलब है कि या तो वो बच्चा हिंदी में फेल है या तो वो अंग्रेजी में फेल है या दोनों में फेल है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, 77% कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तो बाकी जो फ्रेश है वो दोनों में पास है। तो दोनों में पास 100% में से अगर 77 कहीं ना कहीं फेल है तो इसका मतलब 23% बच्चे हमारे बच रहे हैं जो दोनों में क्या है, पास। अब इस चीज को हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। सेकेंड मेथड हमारा भाई वेन डायग्राम मेथड। आइए वेन डायग्राम में देखते हैं कैसे बनेगा डायग्राम। एक गोला आप हिंदी का बना लो, एक गोला आप बना लो अंग्रेजी का। चलो भाई ये हिंदी हो गई और ये हो गया गोला इंग्लिश। सुनो, ये गोले दोनों एक जगह कट मार रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ना इसपे दोनों का अधिकार है, यानी कि इस पे हिंदी वालों का भी अधिकार है, इस पे अंग्रेजी वालों का भी अधिकार है, तो ये जो बीच वाला जो
क्षेत्र है, ये दोनों वाले हैं, दोनों का मतलब जो दोनों में फेल है, तो दोनों में फेल कितने हो गए 17। अब जब आप हिंदी वाला गोला भरने आए तो 52 भरना था, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं कि हिंदी वाले गोले में देखो ये यहां से चल रहा ऑलरेडी 17 भरा हुआ है, तो अगर 17 भरा हुआ है तो 52 में से 17 को आप घटा दीजिए, 12 में से 7 5, 4 में से 1 3, 33 बन गया। इंग्लिश वाला गोला भरने आए तो इंग्लिश वाले में भी ऑलरेडी 17 भरा है, तो 42 में से 17 निकालो, 12 में से 7 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2। अब ये आप देखो सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि सिर्फ हिंदी में कितने फेल है तो वो 35% है, और अगर हिंदी में कितने फेल है तो दोनों ये पूरा मिला करके हो गया, क्योंकि ये बच्चे दोनों तरफ हाथ उठाएंगे, तो हिंदी की अगर बात आएगी तो हिंदी में भी होंगे ये और ये अंग्रेजी में होंगे, तो अगर हिंदी की बात करें तो 52% फेल है, लेकिन सिर्फ हिंदी में 35 है, सिर्फ इंग्लिश में 25 है, लेकिन इंग्लिश की बात करेंगे तो ये पूरा मिला करके कितना बनेगा 42। सिर्फ वाली बात को समझिएगा, सिर्फ का मतलब, सिर्फ की बात का मतलब ये कि सिर्फ अंग्रेजी में, या अगर हिंदी में बोले तो सिर्फ हिंदी में, ठीक है। अब देखो अगली बात, अगर हम कुल फेल निकालते हैं तो हमारे सिर्फ हिंदी वाले, सिर्फ अंग्रेजी वाले और ये सब मिला करके कितने बने 77। तो इसका मतलब दोनों में पास निकालोगे तो दोनों में पास हो जाएगा यहां पे 100-77, यानी कि कितना परसेंट। तो ये वेन डायग्राम हुआ, देखो बहुत ही खूबसूरत तरीका, आगे के सवालों में हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे फिल करेंगे कॉमन वाली चीजों को, फिर हिंदी वाले में हमें भरना था 52, और यहाँ से आप देखो 52 में से 17 भरा था 35, और यहाँ पे आपका 17 भरा था 25। टोटल फेलियर आपके आगे 77 जो बच रहे हैं, भाई 77 कहीं ना कहीं फेल है, तो बाकी अगर ये फेल है तो 100 में से घटा दो तो 23 दोनों जगह पे क्या है पास। चलिए अगले सवाल पे, तो अगला सवाल हम लोग का ये है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है पिछले वाले से। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए, पास के आंकड़े में 70% अंग्रेजी में पास हुए, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे कि 27% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट क्या समझते हैं, जो मैथ में पास है वो है 65%, इंग्लिश में पास है वो है 70%, ये दोनों आंकड़े पास के, और कॉमन जो है ना वो दोनों में फेल का। अब अगर सबसे पहले बिना पेन डायग्राम के लगाते हैं तो आप एक बात को ध्यान रखना कि आप अगर दोनों पास को जोड़ रहे हो तो कॉमन भी पास वाला ही आपको घटाना चाहिए। देखो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि दोनों जोड़ के पता चला 27 घटा दिए, मामला सब गड़बड़ हो गया, सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बात को समझो कि ये मैथ के पास, इंग्लिश के पास अगर आपने पास जोड़ा है तो जो कॉमन वाला पास है वो अगर आप घटाएंगे तो बात बनेगी, लेकिन कॉमन आपको क्या दे दिया गया फिर, तो इस वजह से पहले आप सभी आंकड़ों को मैच करवा लें। अगर आप पास पास हैं तो सब पास में ही चलिए। तो देखिए दोनों में अगर 27 फेल है तो आप ये देख लो कि कम से कम एक विषय में पास, अगर 27 दोनों में फेल है तो बाकी जो बचेंगे वो कहीं ना कहीं जरूर पास होंगे, कहीं ना कहीं का मतलब या तो मैथ में पास होंगे या तो इंग्लिश में पास होंगे। तो 100 में से आप 27 को निकाल दो तो 10 में से 7 चला जाएगा 3, 8 में से 10 में से 7 चला जाएगा आपका 3, 9 में से 2 चला जाएगा 7। ये 73% कहीं ना कहीं पास जरूर है, लेकिन हमें जो पता करना है वो दोनों में पास। तो दोनों में पास के लिए आप मैथ का आंकड़ा और आप इंग्लिश का जोड़ करके कॉमन पास को घटाओ। देखो कॉमन पास हमारे पास आ चुका है, जो मिक्स है वो कहीं ना कहीं पास वाले 73 एक विषय वालों को घटा दो तो दोनों विषय वाला आ जाएगा। ये 5, 7, 6, 13, 135-73, 5 में से 3 जाएगा 2 और 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6। तो यहां पे 62% बच्चे ऐसे हमको मिल चुके हैं कि जो दोनों विषयों में क्या है पास है। अब इसको वेन डायग्राम से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, तो वेन डायग्राम का तरीका क्या होगा, यहां पे वेन डायग्राम मैं इसको मिटा के बना रहा हूं। वेन डायग्राम वाला जो हम लोग का तरीका बनेगा, तो वेन डायग्राम बनाते समय देखो एक गोला हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मैथ का, और एक गोला हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे किसका, इंग्लिश का,
और ये कॉमन वाला हो गया। लेकिन कॉमन आप यहाँ पे देखो, कॉमन क्या दिया है, दोनों में फेल दिया है। तो फेल को अगर आप 27% यहाँ पे फेल करते हो, तो बात को समझो, अगर आपने इस गोले में फेल को भर दिया है तो अब ये पूरा गोला फेल से ही भरा जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 65% तो मैथ में क्या दिया है, पास दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फेल अगर भरना है तो अगर 65% मैथ में पास है तो मैथ में फेल निकालो। कैसे निकालोगे, 100% टोटल है उसमें से 65 निकाल दो, यानी कि मैथ में फेल कितना, 35। 35 में से 27 भरा है, कितना भरेंगे हम लोग, 8 भरेंगे। इसके अलावा इंग्लिश में भी फेल ही भरना होगा क्योंकि गोले में फेल भरा जा चुका है, समान ही राशियां भरना है पूरे में, ठीक है। तो इंग्लिश में फेल अगर आप निकालते हो तो 100 में से यहाँ पे 70% निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 30। तो अगर 30 में से देखा जाए तो इस गोले में ऑलरेडी 27 फेल बैठे हुए हैं, अब कितना भरेंगे हम लोग, 30। अब ये देखो सारे आंकड़े फेल के हो गए, तो कुल फेल अगर आप निकालोगे तो 27 3 30 8 कितना बनेगा, 38%। ये 38% कहीं ना कहीं फेल है। मेरा मतलब ये है कि जो बच्चा सिर्फ मैथ में फेल है वो क्या कभी अपने आप को ये साबित कर सकेगा कि हम दोनों में पास हैं? नहीं। जो इंग्लिश में सिर्फ फेल है क्या वो कभी कहेगा कि हम भैया दोनों में पास है? नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश में गड़बड़ा गया इसका, तो ये भी फेल में चला गया। ये तो कह रहे हैं भाई हम तो दोनों में फेल हैं, ये तो कहने लायक ही नहीं है कभी कि हम दोनों में पास है। मतलब इतने लोगों को जोड़ा गया तो कहीं ना कहीं ये जरूर फेल है, तो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों में पास चाहिए। तो अगर इतने लोग कहीं ना कहीं फेल हैं तो दोनों में पास 100 में से 38 को निकाल लीजिए तो दोनों में पास हमारे कितने परसेंट बच्चे आ जाएंगे, 62। तो यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप डायग्राम में फेल को भर दिए तो पूरा डायग्राम फेल से बनेगा, और अगर डायग्राम में आपने कॉमन को पास भर रखा है तो पूरा डायग्राम आपका किससे बनेगा, पास से बनेगा। इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखो आगे परीक्षाओं में बढ़ा के क्या पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दोनों में पास की संख्या देकर के कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो दोनों में पास 62% है, मान लो इस सवाल में ये दे देता, सवाल में मान लो दे देता कि दोनों में पास 248 है, दोनों में पास 248 है, तो हम लोग एक ही नियम लगा लेते, हम लोग ये कहते हैं कि दोनों में जो 62% पास है वो 248 के बराबर है, इसलिए हमारे टोटल 100% बच्चे कितने होंगे, 248 बटे 62 गुणे कितना 100। 62 से काट देते, 4 बार चला जाता तो कुल बच्चे आपके यहाँ पे कितने आ जाते, 400। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये संख्या भी दिया रहे और हम टोटल संख्या को निकालिए। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का ये है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए, और देखिए ये कॉमन वाला आंकड़ा फिर से गड़बड़ दे दिया है, दोनों विषयों में फेल हुए कितने परसेंट, 10। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि दो आंकड़े पास के और तीसरा किस में, फेल में। तो अगर बेसिकली आप यहाँ पे देखते हो तो मैथ में पास कितना, 80, इंग्लिश में पास कितना भाई, 70, लेकिन दोनों में क्या है, फेल। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि सारे आंकड़े हमारे सेम रहे, अगर ये पास है तो ये भी पास में बदलो, तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास अगर देखोगे तो 100 में से 10 को निकाल दो कितना आया, 90। अगर आप दोनों में पास देखते हो, आओ देखते हैं दोनों में पास, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैथ के हैं जो इंग्लिश के दोनों पास को जोड़ करके जो ये 90% एक विषय वाले हैं इनको निकाल दो तो 8 7 15 150 में से 90 चला जाएगा, 60% बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो दोनों विषयों में हमारे कैसे हो जाएंगे, 60% बच्चे तो दोनों विषयों में पास हो जाएंगे। और ये 60% बच्चे तो दोनों में पास हैं, उनकी संख्या आपको दिया है, कितना दिया है, 144। तो आप ये कह लो कि 60% हमारे कितने के बराबर है, 144। इसलिए टोटल नंबर आप स्टूडेंट 100% बराबर 144 बटे 60 गुणे 100, जीरो निकाल दो, 6 2 12 6 4 24, ये आपका आ जाएगा टोटल इस परीक्षा में कितने बच्चे सम्मिलित हुए, 240। इस सवाल को अगर आप डायग्राम मेथड से लगाते तो कैसे लगाते, और डायग्राम मेथड देख लेते हैं। डायग्राम वाले में आप दो विषय हैं तो दोनों के एक एक गोले निर्धारित कर दीजिए, पहला गोला आप बोल दीजिए हमारा मैथ का है, दूसरा गोला आप बोल दीजिए इंग्लिश का है, ठीक।
ठीक है। तो पहले इसमें कॉमन भर हो गए, कॉमन क्या है 10% फेल है, 10% फेल, अगर फेल भर दिए तो आप फेल ही भरना है। मैथ में 80 पास है, 80 में से 10 सॉरी 80 पास है और आपको भरना क्या है फेल भरना है, तो अगर 80 पास है तो फेल कितने होंगे 20 होंगे, 20 में से अगर इस गोले में 20 भरना है तो 10 भरा है तो भरोगे कितना 10। इंग्लिश में 70 पास है तो फेल कितने हुए 30, 30 में से 10 भरा है आप कितना भरोगे 20। तो ये आपके जो बने टोटल फेल बने, क्यों फेल बने क्योंकि फेल से सारी चीजों को भरा गया, तो 20 10 30 10 40 टोटल फेल हो गए आपके 40। तो आपके जो दोनों में पास है भाई 40, ये जो है ना ये कहीं ना कहीं फेल है, या तो इंग्लिश में फेल है या तो मैथ में फेल है या तो दोनों में फेल है। तो दोनों में पास कितने होंगे 100 में से 40 आप निकाल देंगे तो दोनों में पास कितने बने 60। और ये जो दोनों में 60% है फिर से वही रूल लगा लेंगे कि 60% दोनों में पास 144 है, तो टोटल नंबर आप स्टूडेंट 100% बराबर एक की गणना करोगे 144/60 × 100 यानी कि टोटल नंबर आप स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 240। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ सवाल है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 73% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 70% सामान्य ज्ञान में पास हुए, यदि 64% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तथा 6300 विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हों तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। चलो इस सवाल को देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कुल पास निकालते हैं, अब की बार हमारे सारे आंकड़े मैच कर रहे हैं, देखो मैथ का पास सामान्य ज्ञान का पास दोनों जोड़ दो, कॉमन भी पास का ही घटाना है, इस सवाल में कॉमन भी हमें किसका दे रखा है पास का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले सवालों की तरह अगर फेल दिया होता तो इसको हम पास बनाते, बहरहाल ये पास है। तो 64 आप माइनस कर देंगे तो ये 3 7 7 14 143 - 64 13 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 9, और ये आपका बना 13 में से 6 जाएगा 7। 79% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं, आप यहां पे इसको लिख सकते थे दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास मतलब इतने बच्चे दोनों विषयों में पास हैं, और दोनों विषयों में पास का मतलब ये हुआ, या एक चीज ये कुल पास ही लिखो क्योंकि हम यहाँ पे मैथ और इंग्लिश को मिलाएं कॉमन निकाली, ये कुल पास है। तो अगर 79% कुल पास है, कुल पास का मतलब ये हुआ भाई ना कि ये या तो मैथ में पास है या तो सामान्य ज्ञान में पास है या दोनों में पास है, ये सब मिला के 79% कहीं ना कहीं पास है। तो आप ये देख लो कि अगर इतने लोग पास है तो दोनों में फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से 79 को निकाल दो तो दोनों में फेल कितने हो जाएंगे 21। अगर 79% कहीं ना कहीं पास है इसका मतलब बाकी जो बचे हैं वही फेल हो जा रहे हैं, वही दोनों में फेल है। अगर कहीं ना कहीं कोई पास होगा तो उसको पास में रखो, बाकी बचे दोनों में फेल है। और ये 21% बराबर कितने के है 6300 दोनों में फेल, इसलिए 100% कैलकुलेट करोगे तो 6300/21 और गुणे कितना 100, 21 3 63 और ये आपका आ जाएगा कुल इस परीक्षा में बच्चे जो आए हैं वो कितने हैं 3000। डायग्राम मेथड लगाओगे, यहां भी आसान है, कॉमन पास का है तो 64 भर लो, ये है मैथ और ये है जनरल नॉलेज, ठीक है। मैथ में कितने भरने हैं 73, 73 में से 64 भरा तो 13 में से 4 चला जाएगा 9 यानी कि 9% बचा। और जीके में कितना आपको उठा करके भरना है, जीके वाला 70 है, 70 में से 64 भर गया कितना बचा 6। तो ये टोटल पास, देखो समझ लो टोटल पास का क्या मतलब है, ये 9% मैथ में पास है तो इसका मतलब ये दोनों में फेल हो नहीं सकते भाई, एक सब्जेक्ट में पास है तो क्या दोनों में फेल कहलाएगा, नहीं। ये जीके में पास है तो जीके में अपना नाम पास में लिखवा लिया इसलिए ये भी दोनों में फेल नहीं हो सकता, और ये दोनों में पास ही है मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पास है। तो 64 6 70 और 9 कितना बन जाएगा 79% ये कहीं ना कहीं पास है, इसका मतलब बाकी जो है वो दोनों में क्या है फेल है। तो 100 में से 79 को निकाल दो भैया कितना बचेगा आप लोग का 21% बच्चे जो दोनों में फेल हैं, और ये 21% बराबर फिर से वही रूल आप लगा लो, 21% जो दोनों में फेल हैं वो 6300 100% बराबर कितना आ जाएगा 3000। चलो ये भी सवाल क्लियर हो गया, अब आइए अपने लास्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो लास्ट सवाल हम लोग का ये है, मार्कर हमारा थोड़ा खत्म हो गया है,
ये लास्ट वाला सवाल हम लोग ये देखते हैं, हम पढ़ दे रहे हैं सवाल, आप देख लीजिएगा। वैसे भी आप लोग की शिकायत रहती है साफ सुथरा दिख नहीं रहा है यार। देखो अभी हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम है, अभी हम आप लोग के लिए वैसे प्रयास कर रहे हैं, एक छोटी सी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। अगली बार थोड़ा सा ये हो जाए, अभी सीजन आ जाए हम लोग का जुलाई अगस्त वाला, तो कैमरा वैमरा खरीद के बढ़िया सी वीडियो बना के देंगे। तब तक आप काम चलाओ, 720p पे देखा करो वीडियो, थोड़ी से नेट खर्च कर लो यार। देखो इसमें क्या है कि एक कंपनी के कर्मचारियों के समूह में से 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। फिर क्या हुआ कि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है, 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं, तो कुल कितने कर्मचारी हैं? तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है उन लोगों से। देखो हुआ क्या कि सर्वे करवाया गया कि भाई कंपनी में कर्मचारी बैठे थे, पूछा गया कितने लोग चाय पियोगे, मान लो 100 कर्मचारी है, पूछा गया कितने लोग चाय पियोगे, तो 72 लोगों ने हाथ उठाया 100 में से कि हम क्या पियेंगे, चाय। फिर सर्वे किया गया कॉफी कितने लोग पियोगे, तो यहाँ पे बैठे हुए 44 लोगों ने कहा हम कॉफी पियेंगे। ऑर्डर कलेक्ट किया गया, तो ऑर्डर कलेक्ट करने पे 4, 2, 6, 7, 4, 11 कितने ऑर्डर आए, 116। जब 116 ऑर्डर आए तो जो सर्वेयर था वो थोड़ा सा परेशान हुआ कि लोग 100 थे और ऑर्डर कितने आ रहे हैं, 116 आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से लालची किस्म के हैं, वो चाय में भी हाथ उठाए थे और कॉफी में भी हाथ उठाए थे। अब आप बताओ वो कितने लोग हैं लालची लोग जो दोनों पीने के लिए डिमांड कर रहे हैं, वो आपके 100 से जितने बढ़े हैं वही दोनों हैं, यानी कि 100 से कितने बढ़ रहे हैं, 16 बढ़ रहे हैं। तो 16 बढ़ने का मतलब ये हुआ कि चाय और कॉफी जो दोनों पीने वाले हैं, इस सवाल में आप देख रहे होंगे कि कॉमन नहीं दिया है, कॉमन ना देने की वजह यही है कि आपको खुद बनाना है सवाल को, कॉमन ना देकर कि इन्होंने ये फिक्स कर दिया कि चाय और कॉफी दोनों पीते हैं और यहाँ जितने लोग हैं वो सब लोग दोनों में से एक चीज जरूर पियेंगे। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से कोई ऐसा नहीं बैठा जो ये बोल दे नहीं हम चाय भी नहीं पियेंगे कॉफी भी नहीं पियेंगे। मतलब हमारा कॉमन कितना माना जाएगा, 100 माना जाएगा। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं चाय अथवा कॉफी में से एक चीज अवश्य पीते हैं, मतलब कॉमन 100 है। तो 72 + 44 को जोड़ करके आप 100 को माइनस कर देंगे तो ये 16% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजों की डिमांड कर रहे हैं, और ये 16% लोग कितने के बराबर हैं, 40। इसलिए टोटल कर्मचारी 100 बराबर कितना हो जाएगा, 40/16 गुणे कितना हो जाएगा 100, 4 × 16 = 40, 4 × 2 = 25 और ये आपका आ जाएगा 250। तो इस तरह से बेन डायग्राम के बाद ये टाइप का भी सवाल आपका खत्म हो गया। अब आप परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को अपने घरों पे लगाइएगा, इसके पहले मैंने आय व्यय बताया वो भी लगाइएगा, ये पूरा तैयार कर लीजिएगा। आप किरण वाली बुक से या अग्रवाल वाली बुक से या एसडी यादव वाली बुक से किसी एक किताब से सारे सवालों को लगा डालिए, यकीन है कि सारे सवाल आपके अच्छे से लग जाएंगे। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मैं आपको अगली वीडियो जल्द ही दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।